पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में शातिर चोरों का गिरोह दबोचा गया है। ये गिरोह लोगों से ठगी करते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस गिरफ्त में आया गिरोह बहुत ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सब लोग एक गैंग बनाकर काम करते थे और लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। गैंग के लोग किसान या जमीन के मालिक से मिलकर पहले उसकी जमीन का सौदा करते हैं, उसे मोटे मुनाफे पर जमीन बेचने का झांसा देते हैं। बाद में गिरोह का ही दूसरा साथी सेठ बनकर किसान से मिलता है और जमीन की खरीद कराने को लेकर एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट कराने वाला वकील भी ठगों का ही साथी होता है। बाद में उस किसान से सौदा रद्द कर ठग आपस में दूसरी जगह महंगी जमीन में पार्टनर बनाने का उसे झांसा देते हैं। उससे रकम लेकर नकली नोट उसे अपने पास से मिला कर देते हैं और अपने ही साथी को दे देते हैं, जिसके बाद फिर एग्रीमेंट करते हैं और फिर एक माह में सौदा पूरा करने की बात करते हैं। ये थाना मैनाठेर में थाना प्रभारी मैनाठेर और सीओ बिलारी के नेतृत्व में करीब 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ये लोग लोगों से ज़मीन का एग्रीमेंट करते थे और जब उनको पेमेंट करना होता था तो चिल्ड्रंस बैंक के जो पैसे होते हैं उनको ऊपर नीचे नोट लगा के उन नोट को दे देते थे। और उसके बाद में क्योंकि नॉर्मली जो ब्लैक मनी का जो पैसा होता है उसको कोई काउंट नहीं करता है और इसी में लोग कन्फ्यूज होके इनसे जो नकली नोट है वो ले लेते थे और एग्रीमेंट इनको कर देते थे। इसी में एक पूरा एक गैंग जो पकड़ा गया है जो 10 लोगों का है, जिसमें एक महावीर सिंह पुत्र लल्लू सिंह है, ये मजोला के हैं। बाबूराम सैनी है, ये थाना सिविल लाइन के हैं। दलवीर सिंह है, ये थाना भगतपुर के हैं। संजीव कुमार, ये भी थाना भगतपुर के हैं। राजेंद्र कुमार, ये थाना मजोला के हैं। अमरपाल सिंह, ये भी थाना मजोला के हैं। और सतवीर सिंह सैनी है, ये थाना पाकवाड़ा के रहने वाले हैं। जयप्रकाश हैं, ये ठाकुर द्वारा थाने के रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक संजीव कुमार उर्फ निक्कू, ये थाना मजोला के हैं। और इरशाद पुत्र शफीक, ये थाना मीरगंज जिला बरेली के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था जो कि लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा था। पहले भी इनके द्वारा कई लोगों के साथ में ठगी की जा चुकी है, जिसमें करीब 6 मुकदमे पहले से इनके खिलाफ पंजीकृत थे। और इसमें थाना मैनाठेर पे IPC की धारा 418, 420, 67, 68, 71, 504, 506 IPC के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। और इनके पास से करीब 28,50,000 रुपये के जो नकली नोट है चिल्ड्रन बैंक के, वो इनके पास से बरामद हुए हैं। करीब 11,090 रुपया वो इनके पास से जो ओरिजिनल जो मनी है वो इनके पास से प्राप्त हुई है। 4 इनके पास से देसी अदद तमंचे मिले हैं, 7 जिंदा कारतूस मिले हैं और 4 जो 4-व्हीलर है इनके पास से वो बरामद हुई है, 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए हैं। और ठगी करने के लिए 5 कीपैड वाले जो छोटे मोबाइल हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और इनके जो गैंग है इसके बारे में पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है कि इनके द्वारा अन्य कोई इस तरह के मामले किए गए हैं किन किन लोगों के साथ में, तो वो भी कार्रवाई की जा रही है। और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करके आगे इसमें इन सब लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो फेक जो चिल्ड्रन बैंक नोट है ये किस डिनोमिनेशन में थे, ये पूरे नोट्स जो थे इसमें? देखिए, जो चिल्ड्रन बैंक का जो पैसा होता है तो वो उसमें 10 के भी नोट थे, तो उसमें 100 के, 500 के, उस तरह के 2000 तक के जो नोट्स थे वो इन्होंने अपना बना रखे थे, जो कि इजीली मार्केट में बच्चों को खेलने के लिए मिल जाते हैं। तो उनको इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रिंट करा के, और ये इस तरह का जो ठगी का काम ये लोग करते थे। और ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई है, इसमें कुछ सीधे साधे जो लोग हैं वो इसमें इनके जाल में फंस जाते थे और इनसे जो पैसा है वो लेके और इनको पेपर रजिस्ट्री वगैरह और जो बिना में है ज़मीन के वो कर देते थे। तो कितने टाइम से कर रहे थे ये लोग? ये काफ़ी दिनों से ये लोग कर रहे हैं और ये पूरा एक इनका एक बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। और इनके 2015 के भी मुकदमे हैं और इसके अलावा 2017 के मुकदमे हैं। 2020 में इनके द्वारा इस तरह की घटना की गई, तो ये पूर्व में भी इस तरह का जो गैंग है वो घटना करता रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।